नमस्कार, मनोदर्शी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपका रीट का एग्जाम हुआ है। मुझे लगता है कि सभी का अच्छा हुआ होगा, कि जो मेरे से जुड़े हुए थे उनका तो सब अच्छा हुआ ही होगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है उसमें से आज SST में तो सारे कंप्लीट क्वेश्चन आए। जो रिवीजन किया है मैंने 4 डेज में से, उसमें आपको क्वेश्चन मिले हैं। तो मैं देखो इसके आंसर की बता देती हूँ डायरेक्ट, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी की भी इसी में डालूंगी, इसी में बताऊंगी, इंग्लिश की भी इसी में बताऊंगी, और जो SST है उसकी भी हम पढ़ेंगे। तो सिक्वेंस वाइज चलेंगे। तो श्रवण में विकृति की माप की जाती है, तो डेसिबल इसका आंसर है। और एक विशेष स्तर पर बच्चे एक मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इसका आंसर होगा औपचारिक संचालन। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, तो 10 से लेकर 13 महीने के बीच में ये बोलते हैं। बहुपति सिद्धांत के जनक कौन थे? गार्डनर के द्वारा दिया गया था। निम्न में से किसी सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया गया? तो वाइगोत्स्की है ये। निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री है? तो इसमें ये दो दे रखे हैं, दोनों में से डाउट है, तो इसमें मैन तो यही होगा, पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक या विशाल कंप्यूटरीकृत किताबें। तो इसको आप देख लेना, इसको एक बार छोड़ दें आप। अनुवंशिकता की इकाई होती है, तो जीन होती है अनुवंशिकता की इकाई। ये जो जिसने जिस बच्चे की जो मैंने ली है ये बुकलेट, तो आप उस पर न जाएं जो मैं बता रही हूँ ना, वो इसके आंसर हैं जो रेड पेन से मैं लगा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? तो वो है लिखना। स्कीमा का मतलब क्या होता है? लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स को एकत्रित करना। सूचना प्रकरण सिद्धांत बुद्धि बुद्धि के विभिन्न आधारभूत कौशलों में व्यक्त करने के लिए किए जाने वाले, जिसे लोग इसका अर्थ इसका होगा JP गिलफोर्ड, IQ 70 से 90 के मध्य। और किशोरावस्था के एक बच्चे की उचित विकास हेतु तो माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, उपरोक्त सभी होगा इसमें। और इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त, तो इसमें होगा बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ना, इसमें होगा औसत। यदि पूनम की कलानुक्रम जो उम्र 9 साल वाला है उसमें होगा औसत, और जो इसमें होगा उपरोक्त सभी। स्वलीनता के लक्षण है तो उपरोक्त सभी होगा इसमें। समात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है वृद्धि या ग्रोथ कहा जाता है। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने की अयोग्यता को दर्शाता है, तो ये होगा इसमें, ये होगा आंसर आत्म केंद्रस्थ। क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है, तो क्रियात्मक क्या है? क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, इसका ये आंसर होगा। और इसमें एक शिक्षक अपनी कक्षा में थर्मोडायनामिक के सिद्धांत, तो इसमें ये होगा बच्चों को नई चीजें सिखाने हेतु खोज विधि का प्रयोग करना। और इसमें इद आएगा, और इसमें आएगा अल्फ्रेड एडलर, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है, तो उसमें आएगा अल्फ्रेड एडलर। और अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम सिद्धांत, तो यह है स्ववास्तविकरण। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? तो शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, इसमें होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। और इसमें होगा अप्रकट संवेदीकरण, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है? तो इसमें होगा अप्रकट संवेदीकरण। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो इसका होगा पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। और इसमें होगा अधिगम अक्षमता, इसमें ये नहीं आएगा, इसमें ये आएगा अधिगम अक्षमता। और ये निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में क्रियान्वयन करता है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और इसमें होगा हाइपोरिया, और इसमें होगा कोलर। अब ये हिंदी में, जिसका फर्स्ट पेपर हिंदी में, उसमें देखो निम्न में से कौन सा पुल्लिंग तो स्थिति होगा, इसमें होगा जल। आपको याद ही होगा, तो इसमें पढ़ने की कोई बात नहीं है। अधिक से अधिक लोगों का क्या हो? अधिक से अधिक हित साधन हो, संभावे भविष्यति, ये होगा इसमें। और इसमें सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है, तो एकाधिक स्थान पर 4 रास्ते मिले हो, मैं केवल इसीलिए यहाँ आया हूँ, तो इसमें क्या होगा? अव्यय भावी संबंधी क्या है? वो है जीवन और साहित्य का घोर संबंध। जीवन और साहित्य में क्या है? घनिष्ठ संबंध है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिगत तो एक अनार 100 बीमार। घास काटना मोहरे का अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना कि जैसे तैसे काम निपटाना। और इसमें विद्वान सब जगह पूजा जाता है, ये है क्रिया विशेषण। उद्बोधन विधि का उपवेद नहीं है, तो अनुवाद होगा इसमें। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? तो ये भाषा संसर्ग विधि में नहीं दी जाती है, इसमें होगा मूल्यांकन उपागम BS ब्लूम ने। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है वाक्य से पैराग्राफ। 31 का मानक रूप है, इसमें डाउट है। वर्तनी की क्रिया विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। भाषाई सामग्री होती है मूल्य वस्तु
एवं परतों की बुलेटिन बोर्ड होते हैं एक दृश्य सामग्री अधिक विश्वसनीय परीक्षण है परमापीकृत परीक्षण CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से होता है प्रश्नों तो इसमें होगा उपकरणों की व्यापकता। एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है तो इसमें होगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार होता है मिलान प्रश्न। मौन पठन का लाभ होता है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है तो आत्मनिष्ठता। रचना शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य सृजन की प्रेरणा देना। और इसमें होगा तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है तो विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है। हीन भावना में क्रमधारय समास है। उत्कर्ष का सही विलोम कौन सा है अपकर्ष है। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सी वाक्य कौन सा है तो जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। इनमें से कौन सा विदेशी शब्द बताए गए हैं तो दौरान अब इसमें जो इंग्लिश है जिनके वो देखेंगे फिर हम मैं बताऊंगी आपको SST के बारे में। जल्दी जल्दी देख लो इसमें द राइम्स सीम्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज ABAB है। इसमें वीक पॉइंट वीक स्पॉट आएगा। इसमें अल्ट्रेशन इसमें सिमली आएगा सिमली ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स कॉल्ड वोकेलिक रिदम तो इसमें होगा एसोनेंस ए आएगा। इसमें आएगा ए। विच फिंगर्स स्पीच इज कॉमन इन टंग ट्वाइस्टर तो इसमें होगा अल्ट्रेशन। इट इज ए ब्यूटी डे आई नीडेंट नीडेंट होगा ठीक है नीडेंट अम्ब्रेला। यू शुड फॉलो अप तो इसमें फॉलो अप होगा। इसमें प्ले इट बाई ईयर होगा। इसमें एम्बिक पेंटेमर्स होगा और इसमें होगा प्ले राइट प्ले राइटर नहीं होगा इसमें होगा प्ले राइट। इसमें देखो इसमें ये होगा कौन सी इट होगा इसमें अभी पता नहीं लगा है। टीचिंग कैन बी डिफिकल्ट इसमें ये बी वाला होगा बी ऑप्शन होगा। टेकिंग इन टू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग तो इसमें बी वाला होगा। और इसमें होगा ये सी एक्सप्लोइट साउंड साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग द टीचर मस्ट नो वाई इट इज तो इसमें होगा ये सी वाला। नोट टू टॉलरेट वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर तो इसमें होगा डी वाला। लर्नर स्पीक द फुल सेंटेंस लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन्स वेन ए चाइल्ड इज तो इसमें दोनों होंगे आइदर और बोथ ए एंड बी तो इसमें डी ऑप्शन होगा। इसमें बी होगा आर्टिकुलेशन एरर अकर्स ड्यू टू तो इसमें ये होगा। और रिमाइंडर टीचिंग इसमें आइदर और ए होगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच में सी होगा और इसमें होगा बी। और रिमाइंडर टीचिंग इसमें होगा सी और इसमें होगा सी इसमें भी सी होगा इसमें भी सी हो है इसमें सी है इसमें ए है इसमें ए आएगा और इसमें बी आएगा। इसमें बी है और इसमें भी बी है और इसमें ये है सी और इसमें है ए। अब SST का देख लो जल्दी से फटाफट SST में बताती हूँ आपको। SST में इसमें आएगा म्यांमार इसमें आएगा पृथ्वीराज चौहान इसमें आएगा कालमेलिया इसमें होगा भोजराज और इसमें होगा नागरीदास और इसमें होगा गोगाजी और इसमें होगा अमृता देवी इसमें होगा बंकिम चंद चटर्जी सॉरी संप्रभुता ये होगा। इसमें इसमें आर्टिकल अनुच्छेद होगा। इसमें भाग 14A होगा। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी और इसमें बाल श्रम निषेध होगा और इसमें 1/10 होगा बहुमत और इसमें होगा अनुच्छेद 74 इसमें होगा संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा और इसमें होगा राष्ट्रपति ये वाला होगा बी वाला और इसमें होगा डी वाला और इसमें होगा यांगती शी क्यांग और इसमें होगा तंजानिया और इसमें ये होगा 43 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें होगा बाई आग्नेय शैल इसमें होगा 10% और इसमें होगा शैलुकस के टाइम में इसमें होगा फाइयान और इसमें होगा राम प्रसाद और इसमें होगा बंजारा परिवार से इसमें होगा केसरी सिंह बारट इसमें होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा इसमें होगा विराट नगर इसमें होगा सिक्किम इसमें होगा दुर्गापुरा स्मार्ट संयंत्र और इसमें होगा चंबल नदी और इसमें होगा उत्तरी साइबेरिया और इसमें होगा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में और इसमें होगा ब्यावर इसमें होगा गंगानगर इसमें होगा हनुमानगढ़ और इसमें होगा जयसमंद इसमें होगा अलवार और इसमें होगा अंगतुर निकाय इसमें होगा पुरुषोणी इसमें होगा मथुरा इसमें होगा 1 नवंबर 1956 इसमें होगा माध्यमिक स्तर इसमें होगा BS ब्लूम द्वारा इसमें दोनों आएंगे उपरोक्त दोनों और इसमें होगा विद्यार्थी द्वारा और इसमें होगा व्याख्या और इसमें होगा विद्यार्थी की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के का विकास इसमें होगा उपरोक्त सभी और इसमें होगा उपरोक्त सभी इसमें होगा क्लिपिट्री का
और इसमें होगा निबंधात्मक प्रकार की प्रशिक्षण, इसमें होगा सरसों, इसमें होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और इसमें होगा 78.30, ठीक है 78.30, वैसे 80.93 है तो ये किसी कोई 82 या फिर 78 के बीच में, तो 78.30 इसमें मान्य होगा। और इसमें होगा भूमध्य सागर, इसमें तराई प्रदेश और इसमें होगा जल विद्युत, जल विद्युत इसमें भी कन्फ्यूजन है, ठीक है ओके। ये आपके आंसर की थी, बेस्ट ऑफ लक आपको, जिनके बहुत अच्छे आई होप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके अच्छे नंबर आए।